तो गाइस एक बार की बात है, जब एडम क्लॉक टावर लौट रहा था, अबे यार जरा क्लॉक टावर पे देखो कितनी ज्यादा सिक्योरिटी लगा रखी है। बट गाइस उन सबको नहीं पता था कि ये उन लोग का आखिरी दिन होने वाला है। बट गाइस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को भी एडम पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और हाँ चैनल सब्सक्राइब करके हमारी वो आर्मी का हिस्सा बनना मत भूलना। सब जगह खुशी का माहौल फैला हुआ था लेकिन क्लॉक टावर की तरफ कुछ गुंडे बड़े चले जा रहे थे। लेकिन एक मिनट, ये तो फ्री फायर वर्ल्ड के सबसे बड़े गुंडे हैं और देखते देखते ये गुंडे क्लॉक टावर में घुस जाते हैं। लेकिन गाइस ये क्या, इन्हें तो अपना स्कूटर क्लॉक टावर के एकदम बीचों बीच जाके रोक दिया। हमारे एडम को भी खतरे का पता चल जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और उन तीन में से एक गुंडा एडम को वहीं पर ही मार के गिरा देता है, जिसके बाद सारे के सारे क्रिमिनल बंडल उन सबको गोली मारने लग जाते हैं। लेकिन यार वो सब भी फेल हो जाते हैं क्योंकि इन गुंडों के पास मशीन गन थी और देखते ही देखते क्लॉक टावर पे इन गुंडों का राज हो जाता है। लेकिन गाइस हमारा एडम तो हार मानने वाला था, उसने अपने हाथों से सबको मारना शुरू कर दिया। इसी बीच एडम को बहुत ही बुरी तरीके से मार पड़ जाती है, जिसके बाद एडम भी वहां पर हार के गिर जाता है। तो गाइस क्या एडम अपने क्लॉक टावर और अपने दोस्तों को बचा पाएगा, जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट कर देना।